मथुरा के यमुना पुल को बने हुए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन बनने के बाद शुरू भी हो गया, लेकिन पुल का टूटना अब से ही शुरू हो गया। जब इस मामले को मीडिया ने प्रमुखता से उठाया, तब अधिकारियों को होश आया और लग गए पुल की मरम्मत कराने। मथुरा में करोड़ों की लागत से बनाया गया यमुना ब्रिज चंद दिनों बाद ही क्षतिग्रस्त होता नजर आ रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन की आंखें बंद थी। जब इस बात को मंच न्यूज ने प्रसारित किया तो आला अधिकारियों की आंखें खुली और क्षतिग्रस्त हो रहे यमुना पुल की आनन फानन में मरम्मत शुरू कर दी। जब मीडिया कर्मियों ने कार्य करा रहे अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने चुप्पी साध ली। इसी दौरान जब रास्ते से गुजर रहे लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ठेकेदार और प्रशासनिक अधिकारी मिलजुल कर आधे पैसे खा जाते हैं। इसी तरह सड़क निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जाता है जो चंद दिनों में ही क्षतिग्रस्त हो जाती है। कार्य चल रहा है यहाँ पर कर्नल जी। ये यमुना नदी का ब्रिज है जो कि एक दो साल पहले 88 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ था, बनाया गया था, और इस तरह की लागत लगाई गई है कि जो एक साल भी नहीं चल पाए, एक दो साल में ही चंद दिनों के अंदर ही खराब हालत में टूट रहा है और इसकी मरम्मत चल रही है। जो पीडब्ल्यूडी के और के अधिकारी लगे हुए हैं और मरम्मत के लिए सरकार किसी पर भी इस तरह से ध्यान नहीं दे पाती। अगर यही स्थिति रही तो ये ज़्यादा दिनों चलने वाला नहीं है। मतलब कहीं आप लोगों ने पहले शिकायत की थी इसकी? हाँ, शिकायत की है इसकी, शिकायत कई बार पहले भी कर चुके हैं। शिकायत के बाद ही ये रुकावट चल रही है, दोबारा तोड़ कर और जो दोबारा मरम्मत की जा रही है। कहीं ना कहीं इसमें मानी जाए तो ये धांधलेबाजी कर रहे हैं। धांधलेबाजी मामलों के अनुरूप ये कार्य नहीं कराए जाते हैं। सरकार देती है, जो सरकार का पैसा आवंटित होता है उसके और माल पूरा नहीं लगा पाता।